डियर स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रीढ़ की हड्डी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे कि राम स्वरूप गोपाल प्रसाद बात बात पर हमारा जमाना था कहकर अपने जमाने की तुलना वर्तमान समय से करते हैं, इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? ठीक है, इसका उत्तर होगा कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं, है ना। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ठीक है, तो इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है, ये तर्कसंगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यूं भी हर जमाने की अपनी परिस्थितियां होती हैं, जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ साथ कुछ सुधार भी आते हैं। परंतु बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रायः अपने पक्ष में एक एक तरफा अनुभव सुनते हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाना, विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उनकी किस मानसिकता को, किस विवशता को उजागर करता है? तो इसका उत्तर होगा कि राम स्वरूप अपनी बेटी को बीए पढ़ाता है, उसे उच्च शिक्षा दिलवाता है, उसे शिक्षा दिलवाना अपना कर्तव्य समझता है। परंतु जब उसके विवाह का समय आता है तो उसे समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार होना पड़ता है। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। ठीक है, लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी, बात बात पर नखरे करेगी, विरोध करेगी, प्रश्न करेगी तथा उन्हें चुनौती देगी। वे इस बात को बिल्कुल सहन करना नहीं चाहते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, कहाँ तक तर्क संगत हैं? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए, इसके लिए वह पाउडर और बनावटी साधनों का उपयोग करे, वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपने व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। ठीक है, उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक तरह से प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और सास ससुर को पसंद आ जाए। ठीक है, तो राम स्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है, वह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक जाना सरासर गलत है, धोखा है। इस ठगी पर कभी भी जो रिश्ते बनते हैं टिकाऊ नहीं होते हैं। इस प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है। राम स्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं, क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, है ना। तो क्या करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, इसीलिए वे बातचीत के बीच कहते हैं चलो अब बिजनेस की बात कर ली जाए। शादी को व्यवसाय मानना पाप है, है ना, इससे मानव तथा मानवीय संबंधों की गरिमा कम होती है, व्यक्ति वस्तु में बदल जाता है, शादी एक व्यापार या धंधा बन जाता है, इससे विवाह में लाभ हानि की भाषा में बातें होती हैं। राम स्वरूप का अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाना फिर शिक्षा को छिपाना भी गलत है, उसे अपनी सुशिक्षित बेटी पर गर्व होना चाहिए, उसने समाज की धारणा के विपरीत उसे पढ़ाया लिखाया तो सही, किंतु जब इस कारण रास्ते की बाधाएं आई तो मुंह छुपाने लगा, इसका व्यवहार क्या है, कायरता पूर्ण है। तो दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, गोपाल सा सबसे बड़ा अपराधी है ना, गेंद उसके पाले में है, राम स्वरूप तो उसे ऐसे लोग जैसे लोगों की प्रतिक्रिया पर जीवित है। राम स्वरूप की मजबूरी फिर भी कम बुरी है, उसका वश चलता था वे गोपाल प्रसाद जैसे डोंगियों के विरुद्ध खड़ा हो सकता था, परंतु उसकी कन्या की जिंदगी खराब हो जाती। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं,
उमद कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। नंबर वन, शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है, ऐसा कोई निजी मत स्थान या महत्व नहीं है। वे अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है, उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ का हाँ मिलाता है, ऐसा पति पति होने के योग्य नहीं है। सेकंड पॉइंट, शंकर लड़कियों के पीछे लगकर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है, उसका सरेआम अपमान हो चुका है, अतः वह अपमानित और दुष्चरित्र व्यक्ति है। नंबर थ्री, उसका शरीर कमजोर है, उससे सीधा तन कर भी बैठा नहीं जाता है, इसलिए वे विवाह के योग्य भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शंकर जैसे लड़की या उमा जैसी लड़की, ठीक है, समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। तो समाज को शंकर जैसे लड़कों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस समाज में शंकर जैसे शक्तिहीन व्यक्तित्वहीन लोग होते हैं, वे समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को भी ठीक ढंग से नहीं चला पाता है, तो वह पति होने के योग्य भी नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति विवाह कर भी ले तो उसे घर में हमेशा क्या रहता है, क्लेश रहता है। समाज को उमा जैसी लड़कियों की जरूरत है, ऐसी बहादुर निडर स्वाभिमानी विद्रोही लड़कियां ही गोपाल प्रचार जैसे बड़बोले दिशा भ्रष्ट और अहंकारी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। उमा सत्य और गुणवत्ता पर खड़ी है, वह प्रकाश है तो गोपाल प्रसाद अंधेरा है। जब उस समाज में उमा जैसी लड़कियां बढ़ेंगी तो गुणवत्ता भी बढ़ेगी, लड़कियों को सम्मान भी मिलेगा, तब लोग सुशिक्षित बहु पसंद करेंगे। इस तरह समाज में सुशिक्षा बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा और रूढ़ियों का अंधेरा छपेगा। ठीक है, ये थे फर्स्ट भाग में मैंने डिस्कस किए रीढ़ की हड्डी के फर्स्ट 6 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच।